Good morning, students. Today we are going to study about the plant around us, chapter 1 of science, class 2. पिछली बार भी हमने इसमें कुछ चीजें पढ़ी थी, कुछ बातें हमने पढ़ी थी पहले भी, जिसमें पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था इसमें ट्रीज के बारे में, हर्ब्स के बारे में, सब्स के बारे में. इन तीन चीजों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, पर फिर भी एक बार रिविजन इसको हम फिर से करवा लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो आगे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रीज से. प्लांट्स अराउंड अस में कई सारी चीजें पढ़ी थी हमने, रूट्स के बारे में, उनके सूट के बारे में और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के बारे में. फिर हमने अब ट्री के बारे में अब हम फिर से एक बार रिविजन करवाते हैं कि ट्री क्या होते हैं. तो बिग एंड टॉल प्लांट्स हैविंग हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज. मतलब वैसे प्लांट्स जो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उनके ट्रंक मोटे होते हैं, साथ ही साथ उनकी स्टेम्स और ब्रांचेस जो होती हैं वो काफी हार्ड एंड स्ट्रांग होती हैं. ठीक है, तो वैसे प्लांट्स को हम लोग ट्रीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें हमने बताया था बनियान ट्री, मैंगो ट्री एक्सेट्रा, बहुत सारी ट्रीज हैं. आपने पहले अपने घर के आसपास में भी आपने देखा होगा कई सारे ट्रीज को. तो वैसे प्लांट्स जो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ट्रंक मोटा होता है, स्टेम मोटे होते हैं, ब्रांचेस मोटे होते हैं या स्ट्रांग होते हैं, उन सारे प्लांट्स को हम लोग ट्रीज कहते हैं. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में. तो हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, ये काफी छोटे प्लांट्स होते हैं. दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स और इनका स्टेम जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है. ठीक है, मुलायम होता है, मतलब उसको अगर तोड़ा जाए तो वो आसानी से टूट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वो ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं इसलिए वो आसानी से टूट जाते हैं. तो वैसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं हर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल इसमें मिंट हो सकता है, तुलसी हो सकता है. ऐसा पेड़ आपने देखा होगा, तुलसी का पेड़ काफी छोटा होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बढ़ता है, लेकिन फिर भी उनका जो ब्रांचेस वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे उनके क्या बोलते हैं स्टेम्स होती हैं, वो काफी मुलायम होती हैं, वो आसानी से टूट सकती हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्व्स के बारे में. तो सर्व्स क्या होते हैं? सर्व्स हैव मेनी ब्रांचेस. सर्व्स जो होते हैं उनके काफी ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, और ब्रांचेस जो होते हैं वो पतले होते हैं और हार्ड होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक रोज की बात करते हैं, अगर एक गुलाब की बात अगर करते हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि उनके कई सारे ब्रांचेस निकले होते हैं, और अगर हम चाहें उनको तोड़ना तो काफी थोड़ा टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि बस उसको पकड़े और मरोड़ दिए टूट गया, ऐसा नहीं होता है. उसमें थोड़ा हार्ड होते हैं वो. ठीक है, तो थोड़ा प्रेशर हमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ सकता है. तो वैसे प्लांट्स जिसके ब्रांचेस ज्यादा होते हैं और पतले होते हैं पर हार्ड होते हैं, वैसे प्लांट्स को हम लोग सर्व्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. आज यहां से हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, इसको और इसको हमने रिवीजन करवाया है. मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है. तो देखिए चीज है कि क्लाइंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्लांट्स में आता है क्लाइंबर्स. तो क्या होते हैं क्लाइंबर्स? पढ़िए, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम्स जो होते हैं वो काफी वीक होते हैं. हमने हर्ब्स के बारे में भी पढ़ा कि वो वीक स्टेम होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है, पर वो स्ट्रेट होता है, वो खड़ा अपने आप से हो सकता है. पर ये जो क्लाइंबर्स हैं वो वैसे प्लांट्स होते हैं जो जिसके स्टेम्स जो होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि उन वो अपने आप ही स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते. अगर ये प्लांट है तो ये अगर सीधा खड़ा है, ठीक है, तो ये हर्ब्स हो सकता है, सर्व्स हो सकता है, पर क्लाइंबर्स नहीं होता है. क्लाइंबर्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने आप स्ट्रेट नहीं रह सकते हैं, खड़े नहीं रह सकते हैं. दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड. उनको सपोर्ट चाहिए होता है स्ट्रेट जाने के लिए, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है. एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. और वैसे प्लांट्स को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं. यानी अब हमें समझना ये है कि क्या होते हैं क्लाइंबर्स. तो क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स जो होती है वो काफी वीक होती है, वो अपने आप स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते हैं और उनको किसी एक सपोर्ट की जरूरत होती है स्ट्रेट रहने के लिए. ठीक है, तो उस टाइप के प्लांट्स को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल पी, मनी प्लांट, ये सारे प्लांट्स जो है इसमें आप लोगों ने अगर घर के आसपास में आप लोगों ने देखा होगा मनी प्लांट को. जनरली हम लोग उसको यूज करते हैं अपने आस पड़ोस को सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा खूबसूरत दिखता है तो लतरता है वो. ठीक है ना, तो वैसे प्लांट्स क्लाइंबर्स कहलाते हैं जिसकी स्टेम्स वीक होती है, उनको सपोर्ट चाहिए होता है और किसी एक सपोर्ट से वो खड़े होते हैं. गांव में अगर कोई रहते होंगे बच्चे तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि लौकी का प्लांट जो हम लोग लगाते हैं तो उस पर भी हम लोग सपोर्ट के लिए बांस वगैरह लगा करके और उस पर लतराते हैं उसको. ठीक है ना, तो वो भी एग्जाम्पल हो सकता है क्लाइंबर्स का. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रीपर्स के बारे में. वाटर क्रीपर्स.
Some plants having weak stems, they grew along the ground. कुछ plants इस plants के भी जो stems होते हैं वो काफी weak होते हैं और ये ground पे ही लतरते हैं, ठीक है, फैल के वो फलता है ये पेड़ पौधा जमीन पे. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें बीटल गार्ड हो सकता है. तो क्रीपर्स क्लाइंबर्स ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जो सपोर्ट की जरूरत होती है जिनको. यहाँ क्लाइंबर्स में हम सपोर्ट देते हैं क्लाइंब करना, क्लाइंब का मतलब ही होता है चढ़ना, ठीक है. तो क्लाइंबर्स वैसे प्लांट्स हो गए जिसकी स्टेम पतली होगी, स्ट्रेट नहीं रह सकते और साथ ही साथ उसको सपोर्ट की जरूरत होती है. और क्रीपर्स वैसे प्लांट्स हो गए इसके भी वीक स्टेम्स होती है और ये जमीन पे लतरते हैं. अब हमें पढ़ना है लाइफ ऑफ द प्लांट्स के बारे में. वैसे हम लोग प्लांट्स जो होते हैं वो काफी तरह से यूज में लाते हैं. प्लांट्स को कई तरह से कई पर्पस के लिए यूज किया जाता है. बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनका यूज अलग अलग तरह का हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है प्लांट्स की वो क्या होता है कि वो हमें फूड देते हैं, ठीक है ना, वो हमें फूड देते हैं. इसको मिटा देते हैं, आगे बात करते हैं इसके. तो प्लांट्स जो होते हैं कई पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. उसमें सबसे पहला पर्पस और मेन पर्पस जो होता है वो होता है फूड. यानी प्लांट्स जो होते हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लांट्स गिव्स अस फूड, ठीक है. प्लांट्स जो होते हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं. अधिकतर जो खाने होते हैं, अधिकतर जो फूड के कंजम्पशन में हम लोग यूज करते हैं चीजों का, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया और फ्रूट्स हो गए, कई सारे वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं? तो प्लांट्स से मिलती हैं. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, ठीक है. तो मेन पर्पस हो गया हमारे फूड का. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फूड के अलावा, फूड में तो हम लोग कह सकते हैं ना फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, तो फूड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं हम लोग कि अदर देन फूड, यानी फूड के अलावा किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो इसको इसका यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में भी, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यू में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेडिसिन बनाने के लिए. तो उसमें कुछ प्लांट्स आते हैं जैसे कि तुलसी हो गया, नीम हो गया, कई सारे ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयां या एलोपैथिक जो इंग्लिश दवाइयां होती है वैसी दवाइयों में भी हम लोग इन सारे प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग लिख सकते हैं तुलसी, नीम, ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करें कि और किस चीज के लिए यूज किया जाता है इनको, तो स्पाइस के लिए भी यूज किया जा सकता है. स्पाइस मतलब मसाला, मसाला के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. तो मसाला में किस तरह के प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो गार्लिक का भी प्लांट होता है, कार्डमम भी होता है, इन सारे प्लांट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ये भी तो हमें प्लांट से ही मिलते हैं ना, कार्डमम हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फूड के अलावा ये स्पाइसेस में. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो हमें पेपर जो आता है जिसपे हम लोग लिखते हैं, न्यूज पेपर हो गया या फिर नोटबुक जो बनता है उस पेपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो कहां से आता है? वो भी प्लांट से ही आता है, वो आता है बैम्बू से, ठीक है. उसके बाद इसके अलावा अगर बात की जाए तो वुड जो फर्नीचर वगैरह हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, चेयर और डोर विंडोज वगैरह जो बनते हैं वो वुड से बनते हैं. और वो वुड कहां से आता है? तो वो भी प्लांट से ही आता है. तो वुड के लिए, लकड़ी के लिए जो बेस्ट फर्नीचर्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टीक का. टीक एक प्लांट है, एक ट्री एक्चुअली, और उसके स्टेम से यूज किया जाता है, ठीक है ना, बनाया जाता है वुड जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं. तो ये सारी बातें हो गई, ये फूड के अलावा इन सारी चीजों के लिए हम लोग प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक लास्ट टॉपिक बचता है ये कि लाइफ ऑफ द प्लांट्स, यानी प्लांट्स की आयु या जिंदगी, कितने लाइफ स्पैन जिसको बोलते हैं हम लोग, कितने सालों तक वो जिंदा रह सकते हैं या कितना उनका एवरेज टाइम होता है. तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो कुछ जो पेड़ होते हैं, पेड़ ट्रीज जिसको बोल रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं, जो जिसके जो टॉल होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग उसका ब्रांचेस वगैरह होता है, तो वो ट्रीज जो होते हैं वो कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, कई सालों तक वो अपना लाइफ स्पैन चलाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बनियान ट्री की बात की जाए तो बनियान ट्री जो होता है वो काफी लगभग 100 सालों तक भी वो जिंदा रह सकता है, ठीक है ना.
तो हम लोग सिंपल सी बात में ऐसे जानेंगे कि ट्रीज जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, हर्ब्स हर्ब्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है, ठीक है ना। ट्रीज जो होते हैं वो सालों तक जिंदा रह सकते हैं, पर हर्ब्स हर्ब्स क्रीपर्स क्लाइंबर्स ये सब सीजनल होते हैं, ठीक है ना। एक सीजन में फलते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स वगैरह और फिर वो खत्म हो जाते हैं, पर हर्ब्स हर्ब्स कुछ समय तक कुछ मंथ्स तक रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने प्लांट्स अराउंड अस के बारे में हमने बात किया था, ये क्लास टू का चैप्टर था आपके, सब कुछ हमने लगभग पूरा कवर कर चुके हैं, हम लोग पूरा पढ़ाई हो चुका है। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की, तो वो हम लोग किसी और दिन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। बाकी आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, हम उसको फिर से मैच करवा देंगे और जहां पे गलत होगा आप लोग सही कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।